नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीशा एंड वेलकम टू माय चैनल जॉइन विद दीशा। तो आज मैंने बनाया है एक बहुत ही खूबसूरत सा DIY, यानी कि बनाया है एक वॉल के लिए हैंगिंग सेल्फ, जो कि आपको मार्केट में वुडन का मिलता है, काफ़ी स्टर्डी भी होता है, लेकिन मैंने इसे कार्डबोर्ड की मदद से बनाया है और उसके जितना ही ये स्टर्डी यानी कि मजबूत है। तो इसे कैसे बनाया है वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दे। तो आप भी इसे अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी बाहर से लाई हुई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, यानी कि घर पे ही जो चीज़ें मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं, उसी से मैंने बनाया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल्फ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड यानी कि बॉक्स का कुछ छोटा सा ये हिस्सा। तो इसे मैं यहाँ पे 5 इंच पे वृत्त इसकी कट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी वृत्त कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसे 2 कट कर लूँगी, क्योंकि मैं 2 लेयर इसमें देने वाली हूँ। इसीलिए आपके पास पतला कार्डबोर्ड है तो आप 2 को कट करके उसको आपस में चिपका दे तो कि वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। और ये मेरे पास ब्रॉड ही है, इसीलिए मैं इसे सिंगल ही रखने वाली हूँ। अब ये मुझे कॉर्नर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसीलिए मैंने इसको ये शेप में कट कर लिया है। चारों कॉर्नर को मैं इस तरीके से कट कर लूँगी, यानी कि दोनों जो सेल्फ में बनाने वाली हूँ उसको इस तरह से राउंड में कट कर लूँगी। तो अब दोनों ये रेडी हो चुके हैं मेरे। अब इसे और भी मजबूत बनाने के लिए मैंने लिया है एल्यूमिनियम का वायर। ये मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि अब इसके ऊपर कोई भी चीज़ हम रखेंगे जो कि भारी हो, डेको पीस कोई भी भारी होगा, तो ये उसका वज़न इजीली उठा पाएगा और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड के लिए 3 लिए हैं इसे कट करके, इसको दोनों साइड में और एक बीच में इसे इंसर्ट कर दूंगी। अगर आपके पास इतना ब्रॉड कार्डबोर्ड नहीं है तो आप पतला भी ले सकते हैं। इसके नीचे आप वायर रख के इसके ऊपर टेप लगा सकते हैं। अब दोनों कार्डबोर्ड के अंदर मैंने इसको इंसर्ट कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं ये POP ले रही हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया, और ये जो कार्डबोर्ड के साइड में ये जो पार्ट दिख रहा है उसको कवर कर दूँगी। इसकी वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर जब मैं कुछ डिज़ाइन करूँगी अप्लाई, यानी कि कलर अप्लाई करूँगी, तो वो इसके अंदर ना चला जाए और दिखने में भी अच्छा लगे। अगर आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP नहीं है तो वाइट सीमेंट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बैटर हमें थोड़ा सा थिक रखना है ताकि इजीली इसके ऊपर लग जाए और इजीली इसको सूखने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे। पूरी तरह से सूखने के बाद इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगी वाइट एक्रिलिक कलर। इसे मैं बेस देने वाली हूँ क्योंकि इसके बाद मैं एक और कलर इस पर करूँगी। अगर आप कोई भी डायरेक्ट कलर इसके कार्डबोर्ड के ऊपर अप्लाई करते हो तो वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इतना खुल के नहीं आता है। इसीलिए आप जब भी कोई कलर अप्लाई करें उसके पहले आप वाइट बेस कोट ज़रूर डालें। अब यहाँ पे मैंने वाइट कलर में थोड़ा सा रेड मिक्स करके उसको बना दिया है लाइट पिंक कलर। आप चाहे तो कोई और कलर भी बना सकते हैं, या तो उसे रेड कलर भी अच्छा लगेगा, ऐसे ही रख सकते हैं। इसको हैंग करने के लिए मैंने ली है कुछ इस टाइप की रस्सी। आपके पास घर में जो भी रस्सी अवेलेबल हो इसे यूज़ कर सकते हैं। अब कार्डबोर्ड के चारों कोनों पर हम यहाँ पे कर देंगे इस टाइप के होल्स। दोनों कार्डबोर्ड के ऊपर ये होल करने के बाद ये रस्सी से मैं इसको बांध दूंगी, यानी कि नीचे एक गांठ लगा दूंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे एक मोटा सा बीड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपकी गांठ छूटेगी भी नहीं।
तो दोनों सेल्फ को लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके जो चारों रस्सी है ऊपर की, इसको मिक्स करके हमें लगा देनी है एक गांठ, ताकि हाँ यहाँ पे हम इसको हैंग कर सके। ये चारों किनारे का पार्ट मुझे कुछ खाली लग रहा था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए लगा दी है ये इस टाइप की लेस। अगर आपके पास ऐसी नहीं है तो आप इसे खाली भी रख सकते हैं, या तो कोई भी आपके पास घर में जो अवेलेबल हो उसे डेकोरेट करके यहाँ पर चिपका सकते हैं। मैं यहाँ पर ईजिली इसको ग्लू गन की हेल्प से लगा दूँगी। इसको सिर्फ आगे के पार्ट में ही लगाऊँगी, पीछे नहीं लगाऊँगी। तो दोनों सेल्फ के ऊपर लेस लगाने के बाद यहाँ ऊपर जो मैंने गांठ लगाई है उसके ऊपर मैंने एक रिंग लगा दी है नीचे, यानी कि इसको कवर करने के लिए ये गांठ जो है दिखे नहीं। इसके लिए मैं इस टाइप के जो डेकोरेशन वाले फ्लावर मेरे पास पड़े हुए थे वो इसके ऊपर लगा दूंगी। गांठ आपको इस तरह से लगानी होगी कि जब आप उसे लगाए तो वो टेढ़ा ना लगे, यानी कि पीछे की दो जो रस्सी है उसको खींचना होगा और आगे की दो रस्सी है उसे थोड़ा सा लूज रखना होगा। तो इस तरह से रेडी हो चुका है मेरा वॉल हैंगिंग सेल्फ। तो इसे मैं अपने किचन में भी यूज़ कर सकती हूँ। छोटे मोटे मसाले जो होते हैं, डिब्बियाँ होती हैं, इसके ऊपर रख सकते हैं, यानी कि डेकोरेशन के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपने किचन में कुछ सामान रखने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी स्टर्डी होता है क्योंकि मैंने इसके अंदर एल्यूमिनियम का जो वायर लगाया है। अगर आपके पास वायर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको मजबूत बनाना था इसीलिए मैंने इसके अंदर वायर लगाया है। तो कैसा लगा आज का ये DIY यानी कि वॉल हैंगिंग सेल्फ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।